हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक की। तो हम देखेंगे आपकी लव और रिलेशनशिप में कैसा चलेगा, आपके करियर वाइज कैसा चलेगा और आपके हेल्थ में कैसा रहेगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लियो सिंह राशि वालों के लिए लव एंड रिलेशनशिप में कैसा आ रहा है समय। टेन ऑफ कप्स, ओके, वेरी गुड, वाओ, हाँ, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords. Okay. लियो सिंह राशि, आप लोगों के लिए जो अगस्त का बाकी का महीना है वो बहुत अच्छा जाने वाला है लव एंड रिलेशनशिप वाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर मैं आपकी पास्ट एनर्जीज़ के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक द मून का कार्ड। इसे मैं यहाँ पे रखना भी नहीं चाहूँगी, बस आपको बता देती हूँ। द मून कार्ड जो है हमें ये बताता है कि आप लोग ना बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, कुछ लोगों में आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे पास चीज़ों को लेकर के, सेटिस्फाइड नहीं थे आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको फ़ील हो रही थी, या कुछ लोगों की वजह से आपकी रिलेशनशिप में तनाव था, या किसी सिचुएशन या किसी बात को लेकर के आपके सिचुएशन में कुछ तनाव चल रहा था। वो ये जो बाकी का महीना है हमारा अगस्त का महीना, उसमें ये सब चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो बाकी का मंथ है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। ए टेन ऑफ कप्स लव इन रिलेशनशिप में कैसा कार्ड होता है, एक जिसमें हैप्पीनेस है, जॉय है, सेटिस्फेक्शन है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, लव है, हार्मनी है, मतलब प्यार के मामले में जैसे स्वर्ग में हैं आप, बिल्कुल वैसा इस कार्ड, ये कार्ड दिखाता है कि आप वैसी फीलिंग करेंगे जैसे कि यहाँ पर रेनबो दिखाई दे रहा है, खुशी, बहुत खुशी, बिल्कुल सेटिस्फाइड जिसे कहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब सॉर्ट आउट होने वाली हैं। और यहाँ पे द सन का कार्ड जो है ये डबल इसको मतलब मोहर लगा रहा है इस बात पे कि द सन कार्ड के साथ आपका रिलेशन जो है ना वो एक स्टेप ऊपर जाने वाला है, वो उसकी प्रमोशन होने वाली है, इन द सेंस अगर हम कहें इस वे में। तो ये कार्ड क्या कहलाता है, ये भी तो द सन का कार्ड, इतना ब्राइट कार्ड है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों को चाइल्ड इश्यूज हों, कंसीव नहीं कर पा रहे हों, ये चाइल्ड का ही कार्ड है, ये आपके कंसीविंग का कार्ड है, इन चीज़ों में जो आपकी प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में तो देखिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं लव लाइफ में, आपके आपके लिए बहुत सारे
मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप लोगों को कोई खास कर पसंद करता है, और वो बस आपकी तरफ अब आ रहा है, आपकी तरफ खींचा चला हुआ आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपकी लव लाइफ में, इतने ऑफर्स मिलेंगे आएंगे आपके पास, बस आप दोनों हाथ करके हाथ अपने खोल दीजिए और चुनिए अपने लिए जो सबसे बेस्ट है, और जो आप चुनेंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 10, और ये है 19 10, तो 10 10 1+9 होता है 10, 10 10 इट मीन्स कम्प्लीशन। तो आपका जो एक बैड साइकिल था, जो पुरानी सिचुएशंस जो आपकी लव लाइफ में घूम रही थी, वो अब ख़त्म होने वाली है। आप लोगों जो भी यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, जो मेरे व्यूवर्स होते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके लिए ये रीडिंग होती है। तो आप लोग अभी जो सिचुएशन झेल रहे हैं ना इस वक्त पे, लेकिन अब बाद में ये सिचुएशन आपकी जो है बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपकी कम एक किस्म का ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपका रिलेशन जो है एक स्टेप ऊपर जा रहा है। जिन लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, उनको कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पे इंगेजमेंट्स कमिटमेंट का कार्ड कहलाता है। यहाँ पे आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, रोका सेरेमनी हो सकती है, मतलब कमिटमेंट आपको फुली मिलेगी। जो अभी तक आप बीच में थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कि या आपको डर था कि कहीं मेरा पार्टनर जिसके साथ मैं रिलेशन में हूँ वो मुझे छोड़ करके ना चला जाए, वो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है, वो मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं। तो सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपकी ये बाकी के महीने में पूरी हो जाएंगी, पूरी क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को वो आपकी रिलेशनशिप में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में वाइज और अपने लव वाइज। जितने भी सिंगल्स हैं रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या जो मैरिड हैं, आप लोगों की लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो लियोज, ये थी आपकी लव और रिलेशनशिप की रीडिंग। चलिए अब हम आपकी देखते हैं करियर रीडिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, स्टेबिलिटी, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के लिए। ओके ओके ओके, हम लेंगे एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर्स तो आपको हर जगह से मिल रहे हैं लियोस, वेरी नाइस, ग्रेट। आप मेहनत भी खूब कर रहे हैं, वेरी नाइस, तो मेहनत का फल तो मिलेगा आपको। ओके शुरुआत, ओके करेक्ट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, गुड न्यूज़ लियोस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो लोग अभी काम कर रहे हैं, या जिस करियर में आप हैं, या जिस जॉब में आप हैं, अभी आप वहाँ पे बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है उस जॉब में, या तो वो आपको बेटर, आपको जितना आपको चाहिए उतना पे नहीं मिल रहा वहाँ से, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, आप अच्छा फील नहीं कर रहे और वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये टाइम आ गया है कि आप वहाँ से बाहर आ जाएं, क्योंकि आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाथ खोले, हाथ फैलाए खड़ी हैं आपके लिए, कि प्लीज़ वेलकम, आइए हमारे पास आइए। तो आपको यहाँ पे जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके करियर चेंज का ही कार्ड है,
और ये जो आप करियर अपना चेंज करेंगे या जॉब चेंज करेंगे आप अपना, वो आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी लाएगा, और आपकी जो फाइनेंशियली जो आप अभी इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको अपग्रेड करेगा, मतलब जितना आपको चाहिए आपको उतना मिलेगा। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में आपको जॉब मिल जाए, और आप बाहर भी जा सकते हैं जॉब के लिए, और अब जो नया एनवायरनमेंट जो आपका होगा और वहाँ पे आप बहुत खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जब जाएंगे ना जॉब के लिए तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि वहाँ के जो कलीग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है वो इतना फ्रेंडली है आपके लिए, आपको एनकरेज करने करेगा, वहाँ के लोग आपको एनकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपको मतलब प्रोत्साहित करने वाले हैं, वो आपका साथ देने वाले हैं, बहुत फ्रेंडली होंगे, आप बहुत कंफर्टेबल और स्टेबल फील करेंगे वहाँ पे। और सॉरी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बाहर जाने का भी है, आपको बाहर से ऑफर आ सकती है, आप बाहर जिस जहाँ पे है अदर कंट्री में आप जॉब करने जा जॉब के लिए जा सकते हैं, आपको ऑफर आ सकती है। और जो लोग बिजनेस में हैं, अपना काम करना कर रहे हैं या अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है गाइस, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो हाथ की कारीगरी, मतलब खुद सेल्फ जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं उनका ही ये मेन कार्ड है। तो आपने अभी तक जितनी मेहनत करी है उसका एक किस्म का जिसे कहते हैं कि फ्रूट आपको मिलने जा रहा है, फल आपको मिलने जा रहा है। आप लोग मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनती हैं, और आगे भी आप मेहनत करेंगे। जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को थोड़ा अपग्रेड करें, उसको एक ऊपर अलग लेवल पे लेकर जाएं कि उसका नाम हो, तो ये टाइम फ्रेंड्स आपका है, आप जो करना चाहते हैं उसे करिए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको हार नहीं माननी पड़ेगी। और जो अभी जो लोग अभी जॉबलेस हैं, जिनको अभी जॉब नहीं मिली है या जॉब के लिए देख रहे हैं, जिनकी अभी एजुकेशन जस्ट अभी फिनिश हुई है, जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और प्लीज़ उन्हें देखिए, उन्हें जाने मत दीजिए, उन्हें ग्रैब कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे बहुत लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को मनी वाइज कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, और मतलब आप स्टेबल, मतलब जो आपको डिससेटिस्फेक्शन अपनी करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में जो था वो अब फिनिश हो रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी पहले, आप क्लैरिटी चाह रहे थे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस जगह पे, मुझे इस जगह पे मैं स्टक फील कर रहा हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा। लेकिन ये वक्त है आपका लियोज, ये आप ही का वक्त है, अब आप इस पोजीशन से, इस जो आपको सर्व नहीं कर रही है जगह, जो आपके काबिल नहीं है क्योंकि आप इतने मेहनती हैं, तो अब आप वहाँ से निकलने वाले हैं, और अब आपके लिए स्टेबिलिटी, आप जिस जिस लायक हैं आप, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ देख रहे हैं ये रीडिंग, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग जो हैं, हो सकता है आपको कोई डिग्री या कुछ, मतलब आप कुछ सीख रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा आपको मिलेगा यहाँ पे। और और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स की क्यों मैं बात करूँ, हम लोग चाहे जितनी बड़ी एज के हो जाएं, लेकिन हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं। तो आप लोग भी अपने एक लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोग कुछ अलग कुछ सीखना भी चाहते हैं, आपके यहाँ पे लर्निंग भी दिखाई जा रही है कुछ नया सीखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, आप अपनी एजुकेशन को और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और
फ्रेंड्स आप लोग बहुत मेहनती हैं और ये समझ लीजिए कि ये जो वक्त है 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का, ये आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो बस अपने आँखों को खुला रखिए, कानों को खुला रखिए, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही है उसे जाने मत दीजिए, और जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर अटके मत रहिए, वहाँ से निकलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाथ फैलाए खड़ी हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे, आँखें बंद करके खड़े हो जाएंगे, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ये टाइम आपका है और आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये जगह आपको सर्व नहीं करती है, ये है आपकी जगह, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। तो लियोज ये थी आपकी करियर रीडिंग। अब चलते हैं आपके हेल्थ रीडिंग के लिए, देखते हैं आपके हेल्थ के लिए क्या आ रहा है, बाकी का मंथ आपका कैसा रहेगा हेल्थ वाइज। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द एम्परर, लियोज आपकी जो हेल्थ है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी आप जो हैं कुछ मेंटल या इमोशनल हेल्थ से फेस कर रहे हैं, आपकी ठीक नहीं है इमोशनल देखा जाए तो। इमोशनली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मेंटली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ आपको सेल्फ केयर के बारे में बोला जा रहा है। सेल्फ लव तो है, आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ एरियाज़ में या कहीं किस लेवल पे जा कर के अपने आप को डीमोटिवेटिव होते हुए भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव और सेल्फ केयर दोनों की ज़रूरत है। और ये जो इमोशनल या मेंटली जिसे कहें कि आप जो सिकनेस आप झेल रहे हैं अंदर से, उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको रिकवर करता हूँ या इसको करने की कोशिश करता हूँ, तो नहीं, अभी एक्शन का लेने का टाइम है, ये सोचने का टाइम नहीं है, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस चीज़ से आप बाहर ज़रूर आ जाएंगे, और इस चीज़ पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे जो भी सिचुएशंस हैं। लेकिन आपको अपना खुद का ध्यान ज़रूर रखना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। अगर कुछ फिज़िकली आपको कुछ प्रॉब्लम है या मेंटली, क्योंकि यहाँ पे मेंटली और इमोशनली ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझे आपके, तो उसमें जो है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और आपको उनकी ज़रूरत भी है, और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, और उससे आप बाहर भी आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के ना आप लोगों में से बहुत लोगों के यहाँ पे इमोशंस जो हैं अप डाउन हो रहे हैं कभी, तो ये देखिए द एम्परर का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है। आप लोग कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ईगो से भर जाते हैं, लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं, बिना बात के लड़ने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा कभी किसी छोटी सी चीज़ को लेकर के ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये इंडिकेशन है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, समय पर आप सोइए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, और जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, तो प्लीज़ उसको जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसके लिए एक्शन लीजिए। सिर्फ सोचते मत रहिए, क्योंकि हमने उस कंडीशन को जो है ख़राब नहीं करना है, बदतर नहीं बनाना है, उसे रिकवर करना है। और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आप उससे ओवरकम कर जाएंगे, पर ये एक मैजिकल वे में नहीं हो जाएगा कि बैठे बिठाए हो गया, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप जब तक अपनी हेल्थ के लिए खुद ध्यान नहीं देंगे, तब तक
कुछ नहीं हो सकता कि हाँ नहीं ये कार्ड आ गया हम तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी बात को दिल पे मत लगाइए, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, और दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचिए मत। अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपकी मदर इसमें आपको बहुत हेल्प कर सकती है इससे बाहर आने में, या फैमिली मेम्बर कोई भी आपका जो है वो आपकी मदद कर सकता है। लेडी फिगर ज़्यादा है जो आपकी मदद करेंगी, और हो सके तो जो इमोशंस आपने अपने अंदर दबा रखे हैं उन्हें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके बहुत क्लोज हो पर्सन उसके साथ शेयर कीजिए। यहाँ आपको आपके इमोशंस को शेयर करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो लियोस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।